और मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से, और हाथ पैर मुंह धो के मैं सोचा चलो ब्रेड पकोड़ा खा लेते हैं। ब्रेड पकोड़ा और समोसा लेके आई थी। निखिल ने स्कूल में ही फ़ोन कर दिया था कि मम्मी मेरे लिए ना ब्रेड पकोड़ा ले आना। तो मैंने कहा घर जाऊंगी फिर वापस आऊंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, और जाते ही निखिल मांगेगा कि मम्मी मेरा ब्रेड पकौड़ा नहीं लेके आए। तो अभी मैंने सोचा कि उसमें ही है, थैले खाने वाले थैले में रखा है। मैं निकालने लगी तो मैंने देखा कि इसमें है ही नहीं, स्कूटी में ही रखा हुआ है कि वो गर्म रहेंगे, स्कूटी में गर्म रहता है ना। तो अब इसको नीचे से नहाने लग रही हूँ मैं, स्कूटी में ही रखा हुआ है। तो अभी खाएंगे ब्रेड पकोड़े। सो रही थी और मैं ना काफ़ी देर वेट करके फिर मैंने ऊपर की बेल बजाई, पापा तो पता नहीं कहाँ गए। मैं पापा जी के लिए मैं समोसा लाई थी, तो पापा नीचे होते हैं, लो डाल के लाती हूँ। मैं प्लेट वगैरह रख के आई थी पहले, तो चल प्लेट लेके चलती हूँ, वहीं पर खा लेंगे सारे के सारे। तो ब्रेड पकौड़ा हो तो मिले ना, उसमें था ही नहीं, ये स्कूटी में रखे हुए थे इधर। स्कूटी से निकाल के और अब लेके जा रही हूँ इनको। अयान तो सो गया है, देखो उठता है या नहीं, खराब हो जाएंगे वैसे ज़्यादा देर रखे हुए, पर क्या करूँगी, माइक्रोवेव में गर्म कर दूँगी और तो क्या करूँगी। तो ज़्यादा गर्मी हो गई आज, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, पूछो मत। कल की तो छुट्टी है, रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। और अब दिखाती हूँ यहाँ पे इनको क्या। और ये निखिल तो उठ ही गया भाई, ये तो सो रहे थे। निखिल के फेवरेट ब्रेड पकोड़े आ चुके हैं और निखिल अभी खाएगा। निखिल सो रहा था तो अब उठ गए ये दोनों। अयान तो नहीं उठा, अयान को तो बाद में खिला दूंगे। चलो खाओ, खा लो। दादा का फोन आया था, निकल गई कितने बजे छुट्टी होंगी, फिर मैंने कहा 12 बजे होंगी। मेरे पापा का समोसा ले रही हूँ मैं। तेरा पापा गया काम में। काम गया, अच्छा। अरे समोसा फिर कौन खाएगा, निखिल खाएगा क्या शाम को? ऐसे चटनी तो ले ले, खा ले मम्मी। शाम को रेस्ट करके थोड़ा सा और इधर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और उसी में अपनी चाय बना लूँगी, अदरक सौंफ वगैरह थोड़ा सा डाल के। गला ख़राब है थोड़ा, तो ठीक हो जाएगा, चाय से भी गोली जितना ही आराम हो जाता है। तो बस बच्चों का दूध करके अपनी चाय बनाऊँगी। और आज भी ना पानी भी बहुत गर्म लग रहा था, बहुत गर्मी हो गई थी, तो हमने ना यहाँ पर एक वो रख ली है मटकी, तो मटकी में आज पानी बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी लेके जाते हैं तो फ्रिज का देते नहीं है, फ्रिज वाले में फिर वही ना जुकाम खांसी हो जाएगा। तो मटकी का पानी बढ़िया भी रहता है और पीने में भी अच्छा लगता है, तो ये वाली मटकी रख ली है दूध वगैरह करके। अब थोड़ा नीचे घूम के आएंगे, बच्चों को उठा दूँगी,
छुट्टी है इसलिए नहीं उठाया था मैंने कल की, तो इनका आज कर लेंगे रेस्ट, कोई नहीं कल करवा दूंगी स्कूल का काम, ज़्यादा नहीं था। वैसे भी एक्टिविटी डे था आज निखिल का, ज़्यादा मतलब होमवर्क भी नहीं होगा, पहले भी इसने अपना कर लिया था कंप्लीट, थोड़ा बहुत रहता है वो कल करवा दूंगी। दिन भी ऐसे हो गए, ये आलस भरे दिन होते हैं, इनमें क्या होता है कि नींद ज़्यादा आती है, नहीं तो निखिल नहीं सोता कभी भी। यहाँ पर दूध गिर गया था, उसको साफ़ किया है थोड़ा सा, तो इन दिनों में ऐसे ही होता, उठ गए हैं दोनों बच्चे छोटे वाला, और ये दूध दिन का मैंने गर्म करके रख दिया है, और अभी ये ब्रेड पकौड़ा इसने निखिल ने छोड़ दिया था तब, दोपहर को लाई थी मैं, और इसको मैंने कह रहा है मम्मी गर्म करके खाऊंगा मैं, इसको मैं माइक्रोवेव करके लेके आ रही हूँ। और मम्मी ने तो चटनी भी बना ली है, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी है, इसका मजा आ रहा है बिल्कुल पीने में, क्योंकि दो तीन दिन से इतना गर्म पानी हो रहा था कि पीने का मन ही नहीं कर रहा था। वो टूटी वाला लेके आऊंगी कि बच्चे आराम से पी लें। अरे 20 सेकंड हो गई, माइक्रोवेव हो गया, लेके आती हूँ कल के निकल का ब्रेड। बता जल्दी भिगोया था ना, और चाची को भी। कौन कौन भीगा था?
अगर दादा ना जब है ना निधि चाची का ब्याह हुआ था ना, तब है ना दादा को और मट्टू दादा को ना काले तेल से और तंबाकू और क्या था वो जो जो जैसे जलने के बाद वो क्या हो जाता है काला काला सा, क्या राख, अच्छा राख वो डाल दी थी। किस दूर को कैसे पता? दादा बता दे थे। कौन से मट्टू नहीं बोले। क्या बोले? शादी हुई थी तब नहीं बन रहे हो उनको समी बनोगे तो क्या मतलब मिलेगा है ना प्रसाद में प्रसाद भी तो मिलना चाहिए दादा कह रहे थे आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल का सब्सक्राइब नहीं कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।